10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट। हमें पता लगा मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दूसरे एक होता है प्लेन, एक होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल बनते हैं स्फेयर से, एक पूरा स्फेयर लो, दो हिस्सों में कैंची का सिंबल है, दो हिस्सों में काट दो। मान लीजिए ए वाला मैंने यहां रख दिया, बी वाला मैंने यहां पर रख दिया, तो ए का जो पूरा गोला है डॉटेड करके मैं ऐसे बना लूंगा, तो इसकी रेडियस इधर सेंटर तक की दूरी रेडियस, इसकी दूरी फोकस तक की फोकस हो गई। यहां पर इसको बनाया ऐसा गोला इधर बनेगा, इसकी रेडियस इधर होगी, इसका फोकस इधर होगा। अब ये जो घुमावदार चीज है इसको बोलते हैं कर्वेचर। तो आप जब बुक में पढ़ें वहां कुछ शब्द समझ आए कर्वेचर कर्वेचर कर्वे, समझ लेना वो मिरर की बात कर रहा है, मिरर घुमावदार चीज की। अब मेरा मुद्दा ये है कि अगर कोई चीज ज्यादा घूमी हुई है और कोई चीज कम घूमी हुई है, ये दो मैंने ऑप्शन दिए, मैंने पूछा इसमें से किसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो ले प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली इसका गोला पूरा करता हूं तो गोला ऐसे पूरा होगा, इसका गोला पूरा करता हूं, ढंग से देखें जरा एक बार, इसका गोला कुछ ऐसे पूरा होगा, ऐसे करके, हाँ या ना, कुछ कुछ पूरा हो रहा है। आपके हिसाब से बड़ा गोला कौन सा बना, तो ज्यादा कर्व था या कम कर्व था, सोच के बताओ। अब यार एक कर्व ये है आपके पास घुमावदार चीज, एक कर्व ये है, किसका गोला ज्यादा बड़ा बना, ज्यादा कर्व या कम कर्व, सोचो, ज्यादा कर्व या कम कर्व, कर्व मतलब घुमावदार, कौन ज्यादा घुमावदार है दोनों में से, ऊपर वाला, यही सोचना, यही अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने ज्यादा कर्व कर दिया तो सब गोला जल्दी पूरा हो जाएगा, गोला जल्दी पूरा हो गया तो उसकी रेडियस छोटी हो जाएगी। अगर आपने कर्वेचर कम करते चले गए, कर्वेचर कम करते चले गए, कर्वेचर कम, कर्वेचर कम, कर्वेचर खत्म, स्ट्रेट हो गया ना भाई, कर्व मतलब घुमाव, आपने स्ट्रेट कर दिया तो इसकी रेडियस कहां पहुंच जाएगी, बहुत दूर, घनी दूर, इतनी दूर कि तुम समझ नहीं पाओगे, उस दूर को बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, होता पता है क्या है, इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर सिंपल एमसी क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द, अरे यार क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, यहां तक पूछा नहीं गया, पूछते नहीं, बट क्वेश्चन पता होना चाहिए, शुड नो डेट। अब प्लेन मिरर क्या है, देखो बच्चों मैंने एक बहुत बड़ा सर्कल बना दूं, हालांकि दिखे भी नहीं आप लोगों को, तो हल्का बनाया जानबूझ के, ये बहुत बड़ा सर्कल है, मतलब इस कमरे से बड़ा सर्कल है। बच्चों इस पूरे सर्कल की मैं दो पॉइंट मार्क करूं और उसको डार्क कर दूं, तो बच्चों ये घुमावदार लग रहा कहीं से आपको, जो लाइन मैंने मार्क करी है ये स्ट्रेट लाइन लग रही है, घुमावदार लग रही है, इसका मतलब एक बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन है, समझ आई बात नहीं आई। तो अगर मैं इसकी रेडियस देखूंगा तो बहुत दूर होगी कहीं, अरे होगी नहीं होगी, तो स्ट्रेट जो चीज है ना उसकी रेडियस बहुत दूर है, कहीं कहीं दूर है, दूर का मतलब इंफिनिटी पे। तो ध्यान रखना जो प्लेन मिरर होता है और प्लेन ग्लास शीट होती है, प्लेन ग्लास शीट जो आपके घरों में लगता है, ठीक है, इसका आपको आंसर है, तो आंसर हमारा आएगा, पहला ऑप्शन होता है जीरो, दूसरा ऑप्शन होता है 100, तीसरा ऑप्शन होता है 25, एक ऑप्शन ये भी बहुत ज़्यादा मिलता है, और चौथा होता है आपका इन्फिनिटी, अनंत। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सही, इन्फिनिटी, लॉजिक क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए। चलो इसके बाद बच्चों अगले पॉइंट, अगले मुद्दे पे आते हैं, हमें समझ आ गया कि हमारे पास मिरर कौन से टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में, जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, वो इमेज कैसी बनाता है। अब पहले इमेज सुनो क्या होती है, पहले बताओ इमेज, जैसा आपको अपने ही जैसा एक और व्यक्ति अंदर दिखता है, फिलहाल उसे आप मानते चलो इमेज कहते हैं, आप जैसे शीशे के सामने खड़े, आपको अंदर भी कोई दिख रहा है, वो आपकी इमेज, जैसे आपकी गंदी शक्ल के इंसान अंदर भी होगा कोई, आओ जल्दी समझ आया, अच्छा गंदी शक्ल की बात चल, मेरी बात चल रही, चलो अब आगे सुनो। इसमें सबसे पहले आता है तो इमेज बाय प्लेन मिरर। अच्छा एक काम करता हूं, पहले मैं इमेज के तुम्हें टाइप बता दूं, बच्चों इमेज क्या होती है, इमेज को हिंदी में एक वर्ड सुनाओ किसे बच्चों, इसे प्रतिबिंब कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, बिंब मतलब व्यक्ति वस्तु, उसके जैसे एक और मिले उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये बताओ इमेज आपने, आप लोगों ने मूवी देखी है कभी जिंदगी में, कैसी बातें कर दी, इतने गरीब भी नहीं है,
मूवी तो देखी है। जब मूवी देखने जाते हो तो क्या दिखता है? सामने एक पर्दा है, स्क्रीन है कोई व्हाइट कलर का, पीछे से लाइट आ रही है बैक साइड से। सबको पता होगा, आप तो पुराने जमाने बच्चों को पता ही होता था कि वो वहाँ पर लाइट कहाँ से आ रही है, दिखती नहीं थी लाइट। अब टिंडल इफेक्ट होता है, वहाँ पर भी लाइट दिखती है आपको जाती है। तो बैक साइड से लाइट आ रही है, एक पर्दे पे आपको दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया बच्चों। अगर ऐसी कोई भी इमेज, कोई भी प्रतिबिंब, क्या एक्चुअल में वहाँ पर सलमान खान है, शाहरुख खान है? नहीं है ना, लेकिन वहाँ पर दिख रहा है आपको, तो वो एक्चुअल नहीं। इसका मतलब क्या? उसका प्रतिबिंब है, इमेज हमें दिख रही है फिलहाल तरीके से। अगर वो हमें इमेज दिख रही है, वो एक पर्दे पे दिख रही है अलग से आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। कौन सी इमेज? ऐसी कोई भी इमेज जो शीशे से बाहर आकर, मिरर से बाहर आकर दिखाई दे, उसे रियल इमेज कहा जाता है। और जो शीशे के अंदर ही दिखाई दे, वो होते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल नहीं, वर्चुअल, अच्छा वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को ना आप टच कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना बाहर ला सकते हैं, खाली कुछ हॉरर मूवी में होता है, डरावनी बिल्कुल नहीं होती। वो शीशे से उसके बाहर आता है इंसान, उसे बाहर गुर्दन पकड़ लेता है उसकी, ऐसे सिर्फ फिल्मों में होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता, हमारे घर में शीशे लगना बंद हो जाते, दूसरा तो हार्ट अटैक से मर जाते। तो ऐसा नहीं होता लाइफ में, ना रखना। तो होता यह है, आपके पास इमेज दो टाइप की होती है बच्चों, एक रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। दोनों में फर्क क्या है? इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दा समझते हो? पर्दा मतलब क्या होता है? इसको पर्दे पर ले सकते हैं, इट कैन गेट ऑन अ स्क्रीन एज वेल, हम इसे स्क्रीन पे ले सकते हैं, पर्दे पर ले सकते हैं। और ये समझ जाओ, नहीं ले सकते पर्दे पर। दूसरी बात बच्चों, जो रियल इमेज होती है, उनकी पहचान करनी हो कभी, तो हमेशा उल्टी ही बनेगी। कैसी बनेगी? मतलब अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो पर्दे पे आपको ऐसा दिखाई देगा। ऐसा कहते ही दो चार के मन में गाली पैदा हुई। अभी तो बोल रहे थे सलमान खान सीधा दिख रहा है, कह रहे वो रियल इमेज है, पर्दे मिल रहा है, कह रहे उल्टा कहाँ दिखता है वो। अब बहुत बड़े, कुछ लोगों को नॉलेज है, क्योंकि बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो उसमें स्क्रीन चलाते हैं उल्टा करके चलाते हैं पहले से, ताकि हमें कैसा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। बात समझ आई कि नहीं आई? आपके आंख में रेटिना नाम की एक जगह होती है जहां पर आपकी इमेज बनती है बच्चों। रियल इमेज ही देखो, एग्जाम्पल समझो, समझना, ये आपकी आंख है, इस आंख में आपके यहां लगा है लेंस, ठीक है, चाहे लेंस हो मिरर हो, काम तो सेम ही करेगा, प्रतिम तो बनाएगा बच्चों। जो आंख की जगह होती है, इसका नाम होता है रेटिना। क्या नाम होता है? रेटिना एक तरीके से क्या है बच्चों? पर्दा है। क्या है? आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां से इमेज गई और यहां पर उसकी इमेज बनी। अब अगर पर्दे पर कोई इमेज बनेगी तो सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी? उल्टी। सीधी क्यों बनेगी? रियल इमेज बनेगी ना पर्दे मिलेगी तो कैसी बनेगी बच्चों? उल्टी बनेगी। अगर उल्टी इमेज बनेगी तो रेटिना पे इमेज उल्टी बनी, हमारे ब्रेन ने जाके सीधा करा। ब्रेन बोला सीधा करो इसे, एग्जैक्टली बात क्लियर हुई कितनी? तो हमारा ब्रेन उसको सीधा करता है, तो रेटिना पे मिलने वाली इमेज कैसी होती है, रियल या वर्चुअल? रियल। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? वर्चुअल नहीं होती। अच्छा वर्चुअल आपको ना, तो बचपन पता नहीं किसके स्कूल में कराया गया कि नहीं कराया गया, बचपन में हम जब इस रियल इमेज को एक्सपेरिमेंटली करते थे, आपने पर्दा समझ लिया, आप एक्सपेरिमेंट लैब में कैसे करते थे, हमारे पास क्या होता था, यहाँ पर एक स्क्रीन, एक हम पर्दा लगा देते थे ऐसे करके, एक वाइट कलर का कार्डबोर्ड टाइप ले लेते थे, सफ़ेद से रंग का वो लगा देते थे, और यहाँ पर हम एक मिरर लगा देते थे। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर जब भी इमेज बनाएगा एक केस को छोड़ के हमेशा उल्टी ही बनाएगा। और बाहर किसी, कोई मान लो पेड़ है, बाहर कोई पेड़ है ऐसे करके, इस पेड़ की रोशनी यहां से आई और टकरा के कहां आई? इस पर्दे पे आई। ये शीशे के अंदर की, शीशे के बाहर? शीशे के बाहर। अगर शीशे के बाहर बनी तो इमेज कैसी बननी चाहिए? उल्टी बननी चाहिए। और ये इमेज ऐसी बनती थी। अगर आपने बच्चों ने कभी एक्सपेरिमेंट की बुक में डायग्राम देखे हो, क्योंकि शीशे के बाहर बन रही है तो रियल इमेज, और रियल इमेज पर्दे में मिल सकती है, और पर्दे में मिल सकती है तो कैसी इमेज है? रियल ओवर, उल्टी या सीधी? उल्टी। बच्चों उल्टी को ही हम लोग यहाँ पर एक शब्द यूज करते हैं, इन्वर्टेड। क्या शब्द यूज करते हैं? तो बच्चों सीधी सी बात है, ये इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होंगी? और मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ हमेशा, अगर ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है, पर वहां लिखा हो रियल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मीन सीधा, वो लिखा हो रियल एंड इरेक्ट, तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। वो
There is no real and erect. There is only real and inverted. Virtual and erect. Virtual inverted ऐसी कोई चीज़ नहीं होती. अब एक बात बताओ, आप जब शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो आपको शीशे के अंदर चीज़ दिखाई देती है ना. अगर शीशे के अंदर दिखाई दे तो कैसी इमेज होगी वो, क्योंकि शीशे के अंदर है, इनसाइड द मिरर. अब मैं बोल देख दूँ यहाँ पर इसको, ये कहाँ पर होगी? इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर होगी. अब मेरा मुद्दा ये है कि इमेज बनती कैसे है, ये इमेज बनती कैसे है. तो इमेज आज से नहीं बन रही, हम कोई ऑप्टिक्स कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे. पुराने ज़माने में लोगों के पास शीशे भी नहीं होते थे, लोग पानी में देख के इमेज देखते थे. पानी होता था नहीं तो ट्रांसपेरेंट कुछ ऐसे क्लियर ऑब्जेक्ट होते थे, वहाँ से हमें इमेज दिखती थी. इसका मतलब ऑप्टिक्स दुनिया में पहले से थी, लेकिन हमने उसे पढ़ना शुरू नहीं किया. जब साइंटिस्टों ने इसे पढ़ना या फिर जो साइंस के जो क्या कहते हैं ऑप्टिक्स में जो पढ़ना शुरू किया, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि इसको समझने के लिए, कॉपी पे लाने के लिए हमें थोड़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी. तो कैसे चीज़ें चेंज करें? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनना, ये एक ऑब्जेक्ट है. यहाँ से बहुत सारी किरणें आपकी आँख में आएंगी. कितनी किरणें? बहुत सारी. कितनी मतलब? किसी ऑब्जेक्ट से कितनी किरणें आपकी आँख तक आती हैं? इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट तो हम बना नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है. हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर इससे एक इसके सर से एक इसके पैर से कोई भी दो रेज जब आई, आने के बाद टकराएंगी वो शीशे से. ठीक है भाई, मैंने फॉर एग्जांपल ये मिरर है, दर्पण है, चाहे कनकेव है, कन्वेक्स है, कनकेव है, पानी है, मेरे हिसाब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आती तो इनफाइनाइट रेज अनंत है, लेकिन अनंत हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ रहे हैं दो. कितनी? दो किरणें ऐसे करके आई और इस शीशे से टकराई. टकराने के बाद क्या प्रोसेस होगा याद करो, रिफ्लेक्शन. अरे हाँ, या ना, लाइट इज बाउंस बैक फ्रॉम एनी शाइनिंग सरफेस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. जब देखो हो सबके साथ वही रहा है, हम कितनों को पढ़ रहे हैं? दो को. हो तो भाई इनफाइनाइट. तो दो किरणें आई और टकरा के वापस आई. तो लॉ नियम ये बोलता है कि जब वो दो किरणें टकराने के बाद एक दूसरे को जहां पर काटेंगी, जहां पर, वहां पर क्या बनेगी? अगर वहां तीन रेस काटें, चार रेस काटें, पांच, सब वहीं काट रही होंगी. जरूरी भी नहीं है वहां सारी काटें, लेकिन हाँ एक बात बताओ, अगर कहीं पर, मैंने एग्जांपल के लिए, कहीं बिल्कुल अंधेरा है, एक इंसान ने टॉर्च जला दी, यहां से वहां कुछ रोशनी हो गई, कुछ किरणें पहुंच गई, एक ने दूसरे टॉर्च जला दी, कुछ और किरणें पहुंच गई, एक ने और टॉर्च जला दी, एक ने और टॉर्च, वहां पर अचानक से 500 टॉर्च जल गई, तो क्या फर्क पड़ेगा? जो हमें इंसान दिख रहा था पहले एक टॉर्च में, 500 टॉर्च के बाद वो इंसान वैसा ही दिखेगा, चेंज हो जाएगा? दिखेगा वैसा लेकिन ब्राइट हो जाएगा. काम कैसे हो? दिखेगा तो वैसा ही जैसा, भाई वही दो आंखें, वही शकल गंदी सी, वही दिखेगा. ये क्या हो जाएगा? वो ज्यादा बेटर, ज्यादा क्लियर, ज्यादा क्रिस्टल दिखाई देगा, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी. बात समझ आई कि नहीं है? सेम मेथड के साथ अगर हम दो किरणें लेके जाएं और टकरा के काटें तो हमें सिर्फ दो, देखो चांद की रोशनी में भी तुम्हें दिखाई दे जाता है, लेकिन अगर मरकरी लाइट लगी तो साफ दिखाई दे जाता है. अगर दिन का उजाला हो तो और ज्यादा साफ दिखाई दे जाता है. मतलब ज्यादा किरणें बढ़ने से क्या चीज बढ़ती है? लाइट की जो इमेज बन रही है उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है, और कुछ नहीं बढ़ता है इसके अलावा. क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना. अब देखो बच्चों, तो यहां पे मैं लिखा, टू फॉर्म एन इमेज, किसी इमेज को बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए, मैक्सिमम कितनी चाहिए? जितनी मर्जी ले आओ मैक्सिमम, तो जितनी लाओगे उतना अच्छा दिखाई देगा. मिनिमम टू रेज आर रिक्वायर्ड. अरे बात समझ आई नहीं आई? तो मिनिमम कितनी रेज चाहिए? कम से कम दो किरणें चाहिए. दो किरणें कम से कम आएंगी तो इमेज बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे. यहीं पर हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में. इतनी बात समझ आ गई तुम्हें? आपके हिसाब से रोज तुम घर में पाल काट के मिरर देख के आते हो, उसमें कौन से टाइप की इमेज बनेगी, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल, ऑब्वियस सी बात. तो मैंने बनाया प्लेन मिरर, एक लाइन खींची, और हम ऑप्टिक्स को, लाइट ऑफ साइंस इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो ऐसे रखते हैं, इस तरीके से ही एक एरो बना के रखते हैं. क्या बना के रखते हैं? और कुछ, नथिंग एल्स, एरो बना के रखते हैं. मेरे लिए यही ऑब्जेक्ट, यही मेरे लिए बस, ट्रक, इंसान, सब यही है मेरे लिए. इससे दो किरणें लेके जाते हैं, दोनों किरणें मैं सर से लेके जा रहा हूँ जानबूझ के, हालांकि जाती नीचे से भी जाती है किरण, ऐसे भी जाती है, बट हमें सिर्फ अभी अंडरस्टैंड करना है. हमें ड्राइंग थोड़ी बनानी है, हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बात समझ आई? तो हमें सिर्फ समझना, अंडरस्टैंड करना.
दिखाओ। तो हमने क्या किया, एक रे लेके गए ऐसे, रे ऐसे गई, या आ तो बैक साइड से रही थी पर दिखाई मैंने यहां से, अरे आ तो कहीं से भी रही होगी, सन से आ रही होगी, फिर सन से बनाता फिरूंगा भाई, ये जो रे प्रकाश किरण आ रही है कहां से आ रही होगी, सन से आ रही होगी, फिर सन से बनाऊंगा मैं तो ऑब्जेक्ट से, जहां से जरूरत है वहां से बनाऊंगा। यहां से बनाया, ये टकरा के जैसे गई वैसे वापस आ गई, ये इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे थी, फिर दोबारा एक ऐसे गई मान लेते हैं सर से ही, और टकरा के ऐसे वापस आ गई, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, और ये वाले केस में एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर जीरो हो जाएगा, क्यों, अबे नॉर्मल के ऊपर गई, नॉर्मल के ऊपर वापस आ गई, तो एंगल, जब देखो जब लाइट जैसे जाए वैसे ही वापस आ जाए, हर चीज लिखी जाएगी समझी जाएगी, लाइट जैसे जाए वैसे ही वापस आ जाए तो एंगल आई एंगल आर जीरो होता है, समझ आई बात नहीं आई, एंगल जैसे जाए तो एंगल आई आर क्या होगा, जीरो। कई बच्चे याद नहीं रख पाते सारी बात को, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ उन्हें, और इस एग्जाम्पल से आप जिंदगी भर याद रख लोगे, आप एग्जाम में जैसे गए वैसे ही वापस आ गए कुछ नहीं लिखा तो नंबर कितने हो जाएंगे, वेरी गुड, लाइट जैसे गई वैसे ही वापस आ गई तो एंगल आई आर क्या हो जाएंगे, तो जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, एंगल आई यहाँ जीरो नहीं होंगे। अब बच्चों दिक्कत ये है, जाने के बाद टकरा के जा रही है, ये जा रही है, इधर बहना कटो कैसे कटेंगे, तुम्हारे रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग, वेरी गुड, इसका मतलब आगे कहीं टकराएगी, और बच्चों रियल इमेज बनाने के लिए रेस का इंटरसेक्ट करना जरूरी है, ठीक है, तो लिख दूं यहां पर रेस, रेस मस्ट बी मस्ट इंटरसेक्ट, हाँ या ना, इंटरसेक्ट का हिंदी समझते हो ना, काटना, रे मस्ट इंटरसेक्ट, वी इंटरसेक्ट द रे, वी इंटर, वी लिखना चाहिए, रे मे बी इंटरसेक्ट, अच्छा नॉट एक्चुअली, तो मैं यहां पर लिखता हूं, अभी आप लोगों के लिए देता हूं, वी इंटरसेक्ट द रे आप लोगों के लिए, ऐसा हालांकि सब सही नहीं है, बट कई बार शब्द सही ना हो समझ सही होनी चाहिए, ठीक है, रे इंटरसेक्ट, वी इंटरसेक्ट द रेज, रेज एक्चुअल में नहीं काटेंगे, और हमारा काटने का ये मतलब नहीं हम लाइट को यहां से मोड़ दें, एक एक नियम याद रखना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, आप लाइट को मोड़ नहीं सकते, यहां शीशा लगाओ बदले में, फिर वाली बात, तो भैया हमने क्या करा, हमने कहा इस पीछे ले जाओ इसको, ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए, अपने आप तो नहीं काटी उसने, हमने काटा, यहां पर क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज बन जाएगी, बात क्लियर होती कि नहीं होती, तो समझ आई कि नहीं आई बच्चों, अब ध्यान सुनो, अब इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, अब ये हमारे पास ये क्या है, ये मिरर है, ये क्या है हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, अरे ये ससुर ये, और ये क्या है हमारे पास इमेज, मिरर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी ये कहलाती है बच्चों यू, यू किसको कहते हैं, मिरर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को कहते हैं यू, मिरर से इमेज तक की दूरी को बोलते हैं वी, ऑब्जेक्ट की हाइट को बोलते हैं एच, इमेज की हाइट को बोलते हैं एच, और ये लगाते हैं छोटा सा डैश, ठीक है, ये हमारी एक नोटेशन है, कभी किसी दुकान पे जाओगे उनकी अपनी भाषा होती है, कभी चांदनी चौक जाना लहंगा और वो शेरवानी खरीदने, उनकी अपनी भाषा चल रही है, मतलब अंत में लगे तनाटे भाई साहब आधे का लगेगा, चलो उनकी अपनी चल रही भाषा, कभी तुम कहीं घूमने जाओ किसी और, मतलब हिमाचल प्रदेश कहीं जम्मू कश्मीर या फिर साउथ में कहीं, आप उनसे नेगोशिएट करो, कह रहे भाई साहब नहीं इतने लगा दो, अन्ना नहीं नहीं भाई साहब नहीं लग पाएगा उनकी अपनी भाषा, अब तुम्हें समझ तो आ नहीं रही, लेकिन अगर यहाँ समझ नहीं आई तो ऑपिक चली जाएगी, सच में अपनी भाषा होती है, वो मार्केटिंग ही ऐसे करते हैं, आप वहाँ बैठो आप उनसे बोलो ना, अब तुम तो चतुर बनने की कोशिश करते हो, उन्हें पता है तुम 100 का लगाओगे तो पहले 500 बता के चल रहे, कहते वैसे 500 का सामान, कहते नहीं 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 250 में दे दो, 250 में उन्हें 100 का पड़ रहा, उन्हें पता 100 का बेच के प्रॉफिट आ जाएगा, 250 अन्ना उन्हें गए अन्ना नहीं भाई साहब 250 को तो नहीं, 260 आपके लिए, क्यों हम आपके जीजा जी लग रहे हैं आपके लिए, मतलब रोज क्यों लोग दसाते जान मुझके बोलता हुए आपके लिए, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, आओ इसके इसके बाद अगले पॉइंट पे आते, तो आपका ये हो गया एच, ये हो गया एच डैश, ये हो गया वी, ये हो गया यू, बच्चों इन प्लेन मिरर समतल दर्पण के अंदर यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है पता है क्या बच्चों, नहीं डिवाइड नहीं आएगा, डिवाइड नहीं मत करते ना, हाँ वी अपॉन यू वन हो जाता है, ठीक है, यहां पर बच्चों वी और यू की डायरेक्शन अलग है,
अगर आप इस मिरर को वो मान लो ना वाई एक्सिस, मिरर को क्या मान लो वाई एक्सिस, तो यू तो इधर है यानी माइनस में, और वी उधर है प्लस में, और अगर इसको एक्स एक्सिस मान लो नीचे वाली लाइन को, तो दोनों एच और एच ऊपर की तरफ है, तो दोनों इसमें क्या होते हैं प्लस हो, यह पता होना चाहिए आपको। एक फॉर्मूला आता है बच्चों, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन एम, एम होता है एच डैश अपॉन एच, क्या होता है ठीक है बच्चों, एच डैश और एच दोनों बराबर हैं, तो बताओ एम की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस वन, वन नहीं प्लस वन, बात क्लियर हुई कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू, एम मतलब मैग्निफिकेशन, तो प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, प्लस वन होगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा एक बात और बताओ बच्चों, जो प्लेन मिरर ने इमेज बनाई वो कैसी बनाई, इमेज तो दो ही टाइप की होती है, तो रियल होगी वर्चुअल होगी, बताओ रियल है वर्चुअल, ये सीधी है कि उल्टी है, सीधी है ना, ऐसी दिख रही तुम्हें, ऐसे थे ऐसे दिखाई दी ठीक है। एक मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बताता हूं, हालांकि मुझे 1% उम्मीद नहीं आ जाएगा ये, फिर भी तुम्हें बता रहा हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति से समझाऊंगा, नोट लो कर लेना, मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, मुझे पता नहीं आएगा बट ऐसी दिमाग में आ गया तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ये इंसान इस मिरर की तरफ 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता हुआ जा रहा है, 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता भागता जा रहा है, तो इसको अपने अंदर यहां पर एक और दिख रहा होगा, ये करंट है तो अर्जुन दिख रहा होगा अंदर, फिर अर्जुन भी आ रहा है मेरी तरफ, इसे अर्जुन भी। अब क्वेश्चन ये है, ये जो इसको अपनी इमेज दिख रही होगी, लिखूंगा नहीं मैं, बस आपको अंडरस्टैंड करना, इसको अपनी इमेज कितनी स्पीड से अपनी तरफ आती हुई दिख रही होगी। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक इंसान एक प्लेन मिरर की तरफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, कल को 2 हो सकता है 3 हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है खाली, बस एक्स मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता हुआ जा रहा है, उस व्यक्ति को अपनी इमेज कितनी स्पीड से आती हुई दिख रही होगी, 2.5 से। यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, आप फंस गए यहां पर, मैं बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता हूं, पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं। अब देखो यहां पर दो आंसर आते हैं, आप फंस गए दोबारा से, अब बार फंस क्यों जाते हो समझ नहीं आया। क्वेश्चन दो थे, पत्तियां हरी क्यों होती हैं और पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं, साइंस है ये, हालांकि शुगर आपके सिलेबस में कम आ रही है ना, फंस जाते तुम ज्यादा, साइंस लो, पत्तियां हरी क्यों होती हैं, ड्यू टू क्लोरोफिल, पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं, क्योंकि उसमें से लाइट पड़ती है तो हरे रंग को रिफ्लेक्ट करती है। अब यहां पर दो क्वेश्चन है, एक उसकी इमेज किस स्पीड से आ रही है और उसकी इमेज उसको किस स्पीड से दिखाई दे रही है, नहीं बात समझ आई, एग्जांपल समझो, एक यहां पर एक बंदा है जो अपनी मोटर बाइक लेके जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा बंदा यहां से अपनी मोटर बाइक लेके आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं तो स्टेशनरी और चल नहीं रहा, मैं इसको देख रहा हूं, मुझे इसकी स्पीड कितनी दिख रही है, मैं इसको देख रहा हूं इसकी स्पीड कितनी दिख रही है, लेकिन जब ये वाला बंदा इसको देखेगा तो 30 से तो खुद जा रहा है ये, 20 से वो भी आ रहा है, जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, ओहो एग्जैक्टली समझ लो, फंस गए ना तुम, देखो मैंने कहा ये मेरे को पता आएगा नहीं, बड़े गहराई वाला क्वेश्चन है, अब प्लेन मिरर के ऊपर है, बच्चे बोलते हैं मुश्किल क्वेश्चन, एक्चुअली जो तुम्हें पढ़ा रहे होते हो उन्हें पता है इनका मुश्किल क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो फर्क नहीं पड़ता, एमसीक्यू बन सकता है, अब उसने क्वेश्चन दो पूछ सकता है, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं इसको भी देख रहा हूं इसकी इमेज को भी देख रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है जितनी स्पीड से ये भागेगा उतनी स्पीड से इमेज भागेगी, तो इमेज की स्पीड भी कितनी होगी, लेकिन जब मैं देखूंगा तो मुझे 2.5 भी दिखेगी, लेकिन जब ये खुद देखेगा तो 2.5 से तो ये जा रहा है और 2.5 से वो भी आ रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी जाएगी, तो हाँ इसको लगेगा इमेज की स्पीड क्या है, इमेज की स्पीड जुड़ जाएगी 2.5 अपनी प्लस 2.5 इमेज की, बराबर कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, लॉजिक क्लियर होता है कि नहीं होता, अरे बात समझ आई कि नहीं आई, चलो बहुत बढ़िया। अभी छोटा सा होमवर्क आज की क्लास का आप लोगों के लिए, क्योंकि उतार लेना बाद में, होमवर्क ये है आप लोग जब ऑनलाइन एक्सेस मिल चुका होगा तो जितने चैप्टर 10 के लेक्चर हैं, जितने भी लेक्चर पढ़े हो वो सारे देख लेना, देखो मैंने कहा ना अगर आपके मिशन का काम है तो वहाँ टाइम मत देखना, दोबारा मौका लाइफ नहीं देती, एक ही बार देती है। होमवर्क ये है कि कन्वेक्स और कनकेव, अगर आप यूट्यूब पे अगर देखेंगे नहीं समझ आए, कनकेव एंड कन्वेक्स,
जो मिरर है इनका इमेज फॉर्मेशन बना के नहीं देखना, समझना है, कल मैं एक क्लास में समझा दूंगा 15 मिनट के अंदर, इनका इमेज फॉर्मेशन देखना है कि इनके द्वारा इमेज कैसे बनती है। क्वेश्चन ये आएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज। साइज पूछा है मैंने, वापस आते हैं, इक्वल होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, नन ऑफ देम। समझ आया? ऑब्जेक्ट को अगर मैंने सेंटर पे रखा इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर तो उसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा? आंसर इज -1। आप अभी सिर्फ पढ़ो, क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बनते हैं, ठीक है? समझ आ गया? ये पूरा नोट करो, आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।